नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जय हिंद पर। और आज हम जिस व्यक्तित्व के बारे में, जिस पर्सनैलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं, वो बहुत ही बड़ी हस्ती है और जो बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़े एक इंडिया टूडेज जो न्यूज ग्रुप है उसके एंकर हैं। तो आज हम उनकी बात करने जा रहे हैं और उनका जो नाम है वो है राहुल कंवर। काफ़ी बड़े पत्रकार हैं, तो पहले वो देखिए उनकी पत्रकारिता किस स्तर की होती है, पहले एक बार आप लोग उसको देख लीजिए। सिटीजनशिप एट दैट मोमेंट इटसेल्फ सीजेस टू बी एन इंडियन सिटीजन सर। Yes, that part is tricky. Rahul, my electricity here. Don't worry, you're in Nagaland. Electricity goes off even in India. Please go on speaking, Rupen. We'll just listen to what you're saying. और इस वीडियो में आपने देखा, ये जो हमारे महान पत्रकार है, ये नागालैंड के डीजीपी रूपिन शर्मा के साथ डिबेट कर रहे थे और अचानक डिबेट के बीच में ही रूपिन शर्मा जी का लाइट ऑफ हो गया। तो रूपिन शर्मा जी ने इनसे कहा कि यहाँ पे लाइट कट गई। तो इस पर ये जो महान पत्रकार है कंवल जी, इन्होंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, लाइट भारत में भी कट जाती है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि राहुल कंवल के हिसाब से नागालैंड जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है या नागालैंड भारत में नहीं है। अब एक इतने बड़े पत्रकार के द्वारा इस तरह की बातें कही जानी बहुत ही सर्वनीय बात है। अब राहुल कंवल जी हो सकता है बोल सकते हैं कि ये स्लिप ऑफ टंग था, लेकिन मेरे हिसाब से ये उनका स्लिप ऑफ माइंड था। इस तरह के माइंडसेट के बहुत सारे पत्रकार भारत में है जो गाये बगाए नॉर्थ ईस्ट पे निशाना लगाते रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट पे हमला करते रहते हैं। इससे पहले भी आपने ऐसी बहुत सारी घटनाएं देखी होगी। तो राहुल कंवर के जैसे पत्रकारों को, जिनको यह भी नहीं मालूम है कि नागालैंड भारत का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत का एक स्टेट है, उनको मैं यहाँ भारत के मैप पे नागालैंड दिखा देता हूँ। ये जो रेड आपको दिख रहा है, रेड एरिया, ये नागालैंड है। नॉर्थ ईस्ट में जो सेवन सिस्टर्स हम लोग बोलते हैं, तो उन सेवन सिस्टर्स में से एक जो सिस्टर है वो हमारा नागालैंड है। राहुल कंवल जैसे बड़े बड़े पत्रकारों की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको क्या बोलना है सोच समझ कर बोलना चाहिए और उनकी जो गंदी मानसिकता है उसको हर जगह दिखाने की आवश्यकता नहीं है। सबको मालूम है कि आप किस लेवल के पत्रकार हैं और आपकी पत्रकारिता क्या है। सो दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू राहुल कंवल, व्हेन एवर यू कम टू स्टूडियो प्लीज़ कीप योर डर्टी माइंड इन योर होम, ताकि बाहर के लोगों को ये पता ना चले कि आपका दिमाग कितना सड़ चुका है। और साथ ही साथ एक इतने बड़े पत्रकार होने के बाद भी आपको भारत का सही से जानकारी नहीं है, आप नहीं जानते हैं ये चीज़ें कि भारत में नागालैंड नाम का भी एक स्टेट है, तो आपको अपना दिमाग, सरावा दिमाग घर में रखना चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज का अपना ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मिलूँगा एक और नए वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, ख्याल रखिए अपना। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।